Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our first standard computer subject, okay? आज हम हमारा computer subject पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? हमारा lesson number 6, fun with paint. आज हम paint के बारे में सीखेंगे कि हम paint में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं. Computer में आप paint use करते हो ना? वो कंसल्स में ड्राइंग कर सकते हो आप, तो किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से उसमें ड्राइंग कर सकते हो, ड्राइंग में कलर कर सकते हो, ठीक है बच्चों? तो आज वो सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? पहले देखो, डू यू नो वॉट यू नीड टू मेक अ ड्राइंग एंड कलर इट? बच्चों, क्या आपको पता है आपको ड्राइंग और कलर करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, You need a pencil, eraser and crayons. आपको क्या क्या लगेगा? Pencil लगेगा, eraser लगेगा और crayons. तो आपको तो पता है ना drawing करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों? Pencil, eraser और crayons. Pencil से आप drawing करोगे, eraser से आप अगर by chance कुछ गलती हो गई drawing में तो आप मिटा सकोगे, और crayon से color भरोगे, है ना? The computer can also be used for drawing and coloring. देखो, कंप्यूटर से आप ड्राइंग भी कर सकते हो और कलर भी कर सकते हो. टू ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर यू डोंट नीड टूल्स लाइक रबड़ पेंसिल. देखो, रबड़, कलर, पेंसिल एंड स्केल. आप जब कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हो ना बच्चों, तो आपको कलर, पेंसिल, स्केल ऐसे सब लेके बैठना नहीं पड़ता, वो सब कंप्यूटर के अंदर होता है ना. आपको जब देखो आप ऐसे नॉर्मली ड्राइंग करने बैठते हो तो अब सब सामान लेके बैठना पड़ता है आपको, है ना? लेकिन जब आप कंप्यूटर में ड्राइंग करने बैठोगे तो आपको सब लेके नहीं बैठना पड़ेगा, वो कंप्यूटर में ऑलरेडी होगा, है ना? ठीक है बच्चों, द कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्राइंग. देखो, कंप्यूटर को आप ड्राइंग और कलर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, ड्राइंग एंड कलरिंग. टू ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर पे आप ड्रॉ कर रहे हो, यू डोंट नीड टूल्स लाइक, तो आपको बाहर से आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, रबड़, कलर्स, पेंसिल्स एंड स्केल. जैसे आप नॉर्मली घर पे ड्रॉ करते हो तो कैसे लेके बैठते हो सब सामान एक साथ, सब पेंसिल, रबड़, कलर सब लेके ले बैठना पड़ता है ना, लेकिन कंप्यूटर में आपको ये लेके बैठना नहीं पड़ेगा. ठीक है, वी यूज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड पेंट. हम लोग कौन सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे बच्चों? पेंट. पेंट करके एक प्रोग्राम आता है कंप्यूटर में, उसमें आप क्या कर सकते हो? ड्राइंग कर सकते हो और कलर कर सकते हो. ठीक है, टू ड्राइंग कलर ऑन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ड्राइंग और कलर करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ करोगे बच्चों? पेंट. ठीक है, स्टार्टिंग पेंट. अभी किस तरह से स्टार्ट करना है वो देखेंगे. टू स्टार्ट पेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन अहेड. देखो, पेंट स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना है. ठीक है, देखो पहले क्या करना है आपको, स्टार्ट में जाना है. स्टार्ट बटन जब कंप्यूटर में देखते हो ना तो आपको ये स्टार्ट बटन दिखेगा, है ना? तो आप पहले कहाँ जाओगे? स्टार्ट बटन पे जाओगे. फिर ऑल प्रोग्राम में जाओगे. पहले कहाँ जाओगे बच्चों? स्टार्ट बटन. फिर कहाँ जाओगे? ऑल प्रोग्राम में जाओगे, है ना बच्चों? फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा आपका? पेंट में जाओगे, है ना? पहले कहाँ जाओगे बच्चों? स्टार्ट में जाओगे, है ना? फर्स्ट स्टेप आपका है स्टार्ट. कहाँ जाओगे बच्चों? स्टार्ट में जाओगे. ये रहा, अब स्टार्ट में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, फिर एसेसरी में जाओगे. कहाँ जाओगे? एसेसरी. तो फर्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट, सेकेंड स्टेप आपका ऑल प्रोग्राम, थर्ड स्टेप आपका एसेसरी, और फिर फोर्थ क्या होगा? आपको पेंट दिखेगा उसमें. एसेसरी में ही जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? पेंट ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक करोगे. तो पहले स्टार्ट में जाओगे, फिर ऑल प्रोग्राम में, फिर एसेसरीज में जाओगे. एसेसरी में जाओ, ओपन करोगे तो आपको पेंट करके ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें जाओगे, फिर आप अपना ड्राइंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो. द पेंट विंडो विल अपीयर एज शोन हियर. देखो, इस तरह से पेंट विंडो आएगा. जैसे ही आपने पेंट विंडो स्टार्ट किया, ओपन किया, तो आपको इस तरह से ऑप्शंस आएगा. ठीक है, उसमें मेन्यू बार आपको दिखेगा, टाइटल बार दिखेगा, टूल बॉक्स दिखेगा, कलर बॉक्स दिखेगा और ड्राइंग एरिया दिखेगा. ठीक है बच्चों, देखो अभी देखो ऑप्शन बॉक्स में क्या होता है. तो उसमें क्या होता है? इट कंटेन डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क इन पेंट. तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं जो आप पेंट में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ऑप्शन बॉक्स, इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क इन पेंट. आप पेंट में किस तरह से अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो उसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे. फिर देखो मेन्यू बार,
मेन्यू बार में क्या होता है बच्चों? तो इट कंटेन्स द बटन विच टू कॉमन टास्क, ये ऐसे बटन्स होते हैं उसमें जो कॉमन कॉमन चीज़ें करती है, ठीक है, मेन्यू बार में। फिर क्या होता है बच्चों? कॉमन बटन होता है जो कॉमनली यूज़ होता है कंप्यूटर में, ठीक है बच्चों। आपको कुछ कॉमन ऑप्शंस मिलेंगे, शेप साइज एंड ऑल, ठीक है बच्चों। फिर देखो कलर बॉक्स, कलर बॉक्स में क्या होता है? कलर मिलेगा अलग अलग टाइप का, है ना। इट कंटेन्स वेरियस कलर्स ऑप्शन, उसमें क्या होगा बच्चों? अलग अलग तरीके के कलर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। फिर देखो क्या है? ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में क्या करते हैं हम? ड्राइंग करेंगे ना बच्चों। यू ड्रॉ इन द ड्राइंग एरिया ऑफ द पेंट विंडो, यू कैन यूज द ड्राइंग एंड कलर टूल टू डू सो। देखो ड्राइंग एरिया में क्या करोगे? ये जो बीच में एम्प्टी एरिया है ना, वो ड्राइंग एरिया है ना बच्चों। तो उसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्राइंग में कलर फिल कर सकते हो। आप अलग अलग तरीके के टूल यूज़ करके क्या करोगे? उसमें ड्राइंग बनाओगे और कलर करोगे, है ना बच्चों। तो आपको ये समझ में आया? देखो पहले क्या है, ऑप्शन बार, ऑप्शन बॉक्स में आप क्या कर सकते हो? अलग अलग तरीके का डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। इट कंटेन डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क इन पेंट, पेंट में काम करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। मेन्यू बार में क्या है? उधर भी अलग अलग बटन्स मिलेंगे जिससे आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। कलर बॉक्स में क्या है बच्चों? तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कलर्स मिलेंगे, है ना, जो आप ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो कलर करने के लिए। और ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में आप क्या करोगे? आप उसमें ड्राइंग कर सकते हो, ड्राइंग्स में कलर कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अभी हम टाइटल बार देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है? इट शो द नेम ऑफ आउट फाइल, इसमें क्या होता है? फाइल का नाम। अभी सपोज आपने फाइल का नाम कुछ दिया है तो वो फाइल का नाम आएगा, नहीं तो फिर जो फाइल ड्राइंग पेंट वन पेंट टू ऐसा आएगा, ठीक है, टाइटल बार में, ठीक है बच्चों। इधर टाइटल बार में नाम आता है जो आप चीज कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ आया कि किस तरह से ये है? वेरी गुड। देखो बच्चों ये क्या है? एक टास्क है, आपको देखना है। इसमें अलग अलग तरीके के कलर दिए हुए हैं, उसका आपको नाम बताना है, ये कौन सा कलर है, है ना। बॉक्स में लिखा हुआ ये आप खुद करोगे, है ना। एक दो बता देती हूँ, जैसे कि ऑरेंज है तो आप बॉक्स में से देखें यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑरेंज लिखोगे, पर्पल का पर्पल, ब्लू ग्रीन, ऐसे सब आपको खुद से लिखना है। देखो ये बॉक्स ऊपर दिया हुआ है, आप उसमें से इसमें फिल करोगे, ठीक है। लिखना है आपको कि ये ऑरेंज कलर है, पर्पल है, ग्रीन है, ब्लैक है, ये आप क्या करोगे बच्चों? लिखोगे, ठीक है बच्चों। अभी देखो अभी हम क्या आगे पढ़ेंगे? लेट्स लर्न अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द पेंट स्क्रीन। अभी पेंट स्क्रीन का जो हिस्सा है ऊपर, जो वाइट कलर का स्क्रीन है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मेन चीज़ के बारे में। दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। ये देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? मेन्यू बार। इट ऑफर वेरियस ऑप्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये अलग अलग तरीके के ऑप्शंस देते हैं अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। दिस इज, देखो पहले से क्या कहा जाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। ये क्या है बच्चों? मेन्यू बार है। इसमें अलग अलग परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग है, कलर, फील्ड, एडिटिंग, व्यू, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको हेल्प करती है, ठीक है। अभी चलो और पढ़ेंगे उसके बारे में। ड्राइंग एरिया क्या देखेंगे बच्चों? ड्राइंग एरिया देखो आपको दिख रहा है फोटो में, ड्राइंग एरिया ये जो है ना, ये ड्राइंग एरिया है, ठीक है बच्चों। क्या है ड्राइंग एरिया? इट इज़ अ ब्लैंक एरिया लाइक योर ड्राइंग शीट। आपके पास ड्राइंग शीट होती है उसकी तरह ये पूरा ब्लैंक होता है। ड्राइंग पेपर आपके पास होता है ना बच्चों, उसके तरह ये क्या होता है? पूरा ब्लैंक होता है। यू कैन क्रिएट योर ड्राइंग इन दिस एरिया। आप इसमें क्या कर सकते हो? आप अपने पसंद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? ड्राइंग कर सकते हो। तो ये कैसा होता है? पूरा ड्राइंग पेपर जैसा होता है। पूरा ड्राइंग पेपर कैसे नया लाते हो तो पूरा ब्लैंक होता है ना, तो उसी तरह से ड्राइंग एरिया भी होता है। उसमें आप अपने पसंद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ड्राइंग इन दिस एरिया। अभी देखो कलर बॉक्स, कलर बॉक्स दिख रहा है आपको? हाँ ये रहा। दिस बॉक्स प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। यू कैन चूज एनी कलर टू फिल योर ड्राइंग। आप इसमें से कोई भी कलर पसंद कर सकते हो ड्राइंग को फिल करने के लिए, ठीक है।
दिस बॉक्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, यू कैन चूज एनी कलर टू फिल योर ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको कलर सिलेक्ट करने के लिए, और आप कोई भी कलर यूज़ करके अपना ड्राइंग अच्छा बना सकते हो, है ना। चलो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। दिस बॉक्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, तो देखो इसमें क्या है, अलग अलग कलर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। यू कैन चूज एनी कलर टू फिल योर ड्राइंग, आप ड्राइंग कोई भी कलर सिलेक्ट करके अपने ड्राइंग में भर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ड्राइंग अ रेक्टेंगुलर, तो अभी रेक्टेंगुलर का देखेंगे। तो पहले तो होम पे जाओगे, क्लिक ऑन द होम टैब। तो पहले क्या करोगे बच्चों, ये जो होम टैब होता है ना उस पर आप क्लिक करोगे। फिर होम टैब पे जाओगे तो आपको शेप्स दिखेंगे। देखो पहले आप क्या करोगे, होम टैब पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको शेप दिखेंगे, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर पे जाओगे, है ना, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर टूल, है ना, ऐसा शेप पे क्लिक करोगे। फिर सिलेक्ट द ब्लू कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप, फिर उसको क्या करोगे, कलर सिलेक्ट करके आप कलर ग्रुप में से कलर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मूव द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ ड्राइंग एरिया, फिर आप माउस पॉइंटर को क्या करोगे, जो आपका माउस पॉइंटर है उसको ड्राइंग एरिया की तरफ लेके जाओगे। ये एरिया में आप लेके जाओगे किसको, माउस पॉइंटर को, ठीक है। पहले आपने क्या किया, होम टैब में गए, फिर शेप्स में से रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट किया, फिर कलर में से ब्लू कलर सिलेक्ट किया, फिर माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेके गए। फिर देखो द पॉइंट चेंज इनटू अ प्लस साइन, तो वो जो एरो है वो प्लस की निशानी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, प्लस जैसा दिखेगा आपको। हाउ, फिर देखना है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, फिर आपको माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के रखना है, फिर ड्रैग करना है माउस को, ठीक है। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर, फिर आपको उसको ड्रैग करना है, माउस के बटन को पकड़ के ड्रैग करना है लेफ्ट साइड का, ठीक है। फिर आपका रेक्टेंगुलर बन जाएगा, फिर उसको रिलीज करना है, रिलीज द माउस बटन व्हेन अ रेक्टेंगुलर इज मेड, जब आपका काम हो गया रेक्टेंगुलर जैसा आपको शेप चाहिए था वो मिल गया, तो बटन क्या करना है आपको, रिलीज करना है। कौन सा बटन पकड़ोगे, लेफ्ट साइड का, ठीक है, ठीक है बच्चों, माउस का लेफ्ट साइड बटन, ठीक है। अभी देखो आप ड्राइंग सर्कल बनाना है, आपको क्या करना है, सर्कल। तो पहले आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द होम टैब, पहले आप क्या करोगे, होम टैब पे जाओगे, सिलेक्ट ओवल, ओवल पे जाओगे, देखो ओवल इधर है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले आप होम टैब पे जाओगे, इस तरह से होम टैब पे जाओगे, फिर ओवल पे टिक कर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट ओवल टूल फ्रॉम शेप ग्रुप, शेप ग्रुप में से ओवल सिलेक्ट करोगे, एंड कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप, कलर ग्रुप में से आप कलर चूज करोगे, क्लिक ऑन द साइज बटन, फिर साइज बटन पे जाओगे, फिर आपको जितना चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट द वेल्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड टूल, फिर आप उसमें सिलेक्ट करोगे किस तरह से आपको चाहिए। तो पहले क्या करोगे, आप होम पे जाओगे, ठीक है, होम टैब पे जाओगे, फिर ओवल शेप है ना, एक देखो इधर दिख रहा है, एक दिखाया हुआ है, तो इस शेप पे जाओगे, फिर आप कलर चूज़ करोगे अपने हिसाब से, जो कलर आपको चाहिए वो चूज़ करो, ठीक है, जो पसंद आए वो कलर यूज़ करो आप। फिर वो साइज़ बटन में जाओगे, तो उससे क्या आप साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, ओवल टूल बनाया, है ना, ओवल टूल यूज़ करके क्या बनाया हमने, सर्कल बनाया। मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, फिर हमें क्या करना है बच्चों, माउस पॉइंटर है उसको ड्राइंग एरिया में लेके जाना है, हमें लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है, ड्रैग करना है ड्राइंग एरिया में, और हमारा क्या ड्राइंग हो जाएगा बच्चों, सर्कल। ओवल की मदद से हम सर्कल ड्राइंग कर सकते हैं ना, देखो किस तरह से सर्कल बनाया है, पहले होम पे गया, फिर शेप पाया, तो शेप में हम कहाँ गए, ओवल शेप में गए, फिर हमने कलर अपने पसंद से सिलेक्ट किया, फिर हमने साइज बटन लिया, है ना, फिर माउस को लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके ड्रैग किया और ड्राइंग एरिया में लेके गए, फिर हमने अपना ड्राइंग किया तो वो सर्कल बनाया, है ना। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ अ
सर्कल, अभी देखो हम क्या देखेंगे, ड्राइंग अ स्ट्रेटिंग लाइन। अभी सीधी लाइन बनाना हो तो किस तरह से, स्ट्रेटिंग लाइन यानी स्ट्रेट, ठीक है, सीधी लाइन। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, होम टैब में जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, होम टैब में जाएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द लाइन टूल, फिर देखो अभी हमें लाइन बनाना है ना, तो पहले देखो होम में जाना है, फिर लाइन टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले किस में जाओगे, होम टैब में जाओगे। क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप ग्रुप, शेप ग्रुप में से किस में जाओगे, लाइन टूल में जाओगे। फिर सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप एंड द लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। तो आप क्या करोगे, पहले होम टैब पे जाओगे, फिर शेप ग्रुप में से आप लाइन वाला लोगे, ठीक है, सीधी लाइन वाला, फिर वो ले लिया, फिर आपको जो कलर चाहिए वो कलर पसंद करोगे, ठीक है। फिर साइज़ को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, किस में जाके, थिकनेस में जाके, लाइन थिकनेस में, ठीक है। वो देखो आपको यहाँ दिख रहा है बाजू में, तो यहाँ से आप लाइन को मोटी पतली कुछ भी चाहिए वो कर सकते हो, है ना। ये देखो पहले आप होम टैब में जाओगे, फिर टूल में से लाइन टूल लोगे, फिर यहाँ जाके आप उसको मोटा पतला थिकनेस कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर मूव द माउस पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया। माउस पॉइंटर को क्या करना है, ड्राइंग एरिया तक लेके जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन को, माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट और लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट वाला ही यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है बच्चों, लेफ्ट। सर्कल बनाना है, लाइन बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है, लेफ्ट माउस, लेफ्ट साइड ही यूज़ करोगे। क्या बच्चों, लेफ्ट साइड माउस का, ठीक है। तो हम लेफ्ट बटन यूज़ करेंगे, किसका, माउस का। चलो तो होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस। फिर माउस को ड्रैग करना है, पॉइंटर कहाँ लाना है, ड्राइंग एरिया में। कहाँ बच्चों, ड्राइंग एरिया में। नोट दैट अ लाइन इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। फिर देखो लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से, जिस तरह से आप रखना चाहो उस तरह से रख सकते हो, है ना। वाइल ड्रैगिंग द माउस, जिस तरह से माउस को आप ड्रैग करोगे उस तरह से लाइन बनती जाएगी, ठीक है बच्चों। रिलीज द माउस बटन व्हेन यू वांट टू एंड द लाइन। फिर आप माउस बटन छोड़ दोगे, रिलीज यानी छोड़ना, ठीक है। आपने देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड का पकड़ा है माउस का बटन, है ना, लेफ्ट, देखो राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है, माउस में दो होते हैं ना, एक लेफ्ट और राइट। तो आपको लेफ्ट साइड का पकड़ के रखना है जब तक वो लाइन ड्रॉ ना हो, ठीक है, माउस बटन। अभी देखो अभी हम क्या देखेंगे बच्चों आगे, अभी हम देखेंगे इरेजिंग अ ड्रॉइंग। हम ड्राइंग अगर बाय चांस गलती से कुछ गलत ड्राइंग हो गया तो उसको इरेज, मिटाना कैसा है वो देखेंगे। द इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर। आप उसमें कुछ भी बना रहे हो, पिक्चर है तो उसमें कुछ भी गलत हो गया हो तो उसको मिटाने के लिए या ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ उसको रब करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पहले क्या करोगे, सिलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल ग्रुप। टूल ग्रुप होता है ना, उसमें से आप क्या करोगे बच्चों, इरेजर को सिलेक्ट करोगे। ये देखो ये टूल ग्रुप है, उसमें से आपने क्या सिलेक्ट किया, इरेजर को, ठीक है। फिर क्या करोगे, चूज एनी साइज ऑफ द इरेजर। आप इसमें भी साइज चूज कर सकते हो, आपको बड़ा इरेजर चाहिए, छोटा इरेजर चाहिए, वो इसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो पहले आप क्या करोगे, टूल ग्रुप में जाओगे, इरेजर को सिलेक्ट करोगे, फिर उसका साइज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर देखो एक स्क्वायर अपीयर होगा, ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो, ठीक है। इन अ स्क्वायर विल अपीयर इन द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में क्या होगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। फिर होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, फिर आपको लेफ्ट माउस बटन पकड़ के रखना है, फिर जहाँ पे आपको इरेज करना है वहाँ पे मूव करना है। क्या करना है आपको, पहले तो क्या करना है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट माउस बटन को पकड़ के रखना है, फिर क्या हो करना है, जहाँ पे आपको रब करना है ना वहाँ पे लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो रब हो जाएगा, है ना बच्चों। तो एक बार और देख लो, पहले तो एक स्क्वायर अपीयर होगा, है ना,
फिर उसको क्या लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके रखोगे, फिर उसको मूव करना है वो एरिया में जहाँ पे आपको इरेज करना है, मतलब मिटाना है जो एरिया आपको यूज़ नहीं करना। जैसे कि आपने बहुत लंबी लाइन कर दी और आपको छोटा लाइन बनाना था, गलती से आपने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप उसको इरेजर से इरेज कर सकते हो, है ना। तो आज ये चैप्टर में बच्चों हमने क्या पढ़ा, तो एक तो पेंट क्यों यूज़ करते, तो पेंट ड्राइंग और कलर करने के लिए यूज़ करते हैं ना बच्चों। तो हम पेंट क्यों यूज़ करते हैं, ड्राइंग और कलर करने के लिए। फिर पेंट बटन में क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं पेंट में काम करने के लिए, है ना। फिर मेन्यू बार में क्या होता है बच्चों, तो अलग अलग बटन्स होते हैं जिसके थ्रू हम टास्क, कोई भी ड्राइंग का टास्क आसानी से कर सकते हैं का, है ना। फिर देखो टाइटल बार में क्या होता है, फाइल का नेम बताते हैं ना बच्चों। टाइटल बार में क्या होता है बच्चों, फाइल का नेम बताते हैं। और कलर बॉक्स में क्या होता है बच्चों, कलर्स के ना कलर्स होते हैं ना, अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। फिर हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे कि किस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं, है ना, ऑप्शंस बॉक्स में ऑप्शंस चूज करके। फिर इरेजर के बारे में देखा, और ड्राइंग एरिया में क्या करते हैं हम, क्या ड्राइंग करते हैं वो कैसा होता है, पूरा ड्राइंग बुक के पेपर जैसा होता है, पूरा ब्लैंक होता है और वाइट होता है, तो उसमें आप कुछ भी ड्राइंग कलर कर सकते हो अपने हिसाब से। और इरेजर टूल के बारे में देखा, इरेजर टूल क्या होता है, कभी भी हमसे गलती हो जाती है ड्राइंग में तो उसको इरेज करने में मदद आता है ना बच्चों। तो होप आपको ये इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने मिली हो, और आप एक बार कंप्यूटर में खुद से भी कोशिश करना, और नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।